हिमाचल प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को 15 अगस्त तक कोरोना रोधी टीके की पहली डोज लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान के तहत जिला हमीरपुर में इस आयु वर्ग के सभी लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसी के तहत हमीरपुर जिला में स्वास्थ्य विभाग भी मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि जिला में 18 वर्ष से अधिक आयु के बचे हुए लगभग 70,000 लोगों को 15 अगस्त से पहले टीका लगाकर हिमाचल को देश में प्रथम स्थान हासिल करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त वैक्सीन की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आशा वर्कर व हेल्थ वर्करों के माध्यम से घर घर जाकर वैक्सीनेशन लगवा चुके लोगों की जानकारी एकत्रित की जाएगी। साथ ही पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में इस विशेष अभियान के प्रति आम लोगों को जागरूक करेंगे तथा कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगवाने के प्रति प्रेरित भी करेंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक कंपेन चला जिसका नाम रखा फर्स्ट डोज कोविशील्ड सैचुरेशन स्ट्रेटजी, जिसका कि हम अगर सामान्य शब्दों में व्याख्या करें तो पहले ही जो डोज लगनी है वो पूरे हिमाचल में हमारा ये एम है कि 15 अगस्त तक सभी लोगों को वो लग जाए। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं, पूरा हिमाचल ऐसा कर लेगा, पहली डोज सभी लोगों को जो एलिजिबल हैं 18 साल से जो ऊपर लोग हैं उनको अगर हम लगा देंगे तो पूरे भारतवर्ष में जो है पहला स्टेट बन जाएगा। इसके लिए माननीय सेक्रेटरी हेल्थ के साथ हमारी कल वर्चुअल मीटिंग हुई 5 बजे को सभी CMOs की। प्रोग्राम आज से चालू हो गया है और ये हमने 15 तारीख तक जो है वो अचीव करना है। अगर डाटा देखा जाए तो हमीरपुर का, तो हमीरपुर में हमने फर्स्ट डोज जो है 298,295 लोगों को लगा चुके हैं। तो और जो टोटल हमारा टारगेट बनता है वो लगभग 3,69,000 बनता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 70,000 के करीब, 70,000 के करीब जो है हमारे पास अभी लगभग फर्स्ट डोज के लोगों को लगनी है। हो सकता है इसे कम भी हो, ज़्यादा भी हो, क्योंकि वो हेड काउंटिंग की जाएगी अब पंचायतों के माध्यम से और हेल्थ वर्कर और आशा वर्कर के माध्यम से, तभी असली पता लग जाएगा। हर गांव में, हर घर में जाके हम हेड पूछेंगे कि फर्स्ट डोज लगी है कि नहीं लगी है, हेड काउंटिंग करके पता लगेगा कहाँ पर कौन लोग छूटा है। और ये पूरी 100% कोशिश की जाएगी और इसको हम करेंगे कि सभी लोगों को पहली डोज जो है वो लगाई जाए। वहीं हमीरपुर जिला में पिछले कुछ दिनों से बढ़ते कोविड के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने कहा कि हमीरपुर जिला में टेस्टिंग रेट काफी अच्छा है और गत कुछ दिनों से जिला की पॉजिटिविटी रेट में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि लोग लापरवाही वाला रवैया ना अपनाएं और कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। कुछ दिनों से देखा गया है कि हमीरपुर जिला में केसेस जो है वो पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से थोड़ा सा बढ़ रहा है। पहले हमारा पॉजिटिविटी रेट जो आ गया था वो 0.5 से भी कम आ गया था। टेस्टिंग हमीरपुर की सबसे अच्छी हो रही है अभी भी। हमीरपुर जिला अभी भी 1,500 से ऊपर या 1,500 से 2,000 के बीच में टेस्टिंग पर डे कर रहा है। टेस्टिंग हमारी अच्छी है, लेकिन पिछले दिनों देखा गया कभी 22-23 केस आए, फिर 38 आए, बीच में 5 केस आए, तो फ्लक्चुएट हो रहे, थोड़ा सा बढ़ रहा है केस। इसका मुख्य कारण यही है कि जैसे ही एकदम से कुछ खोल दिया गया है, हर चीज़ जो है वो खोल दी गई है, बसें चल रही हैं, फंक्शन हो रहे हैं, शादियां हो रही थी, जागरण हो रहे हैं, लोग एक जगह भोजन इकट्ठा ग्रहण कर रहे हैं, मंदिर खुल गए हैं, बसें सारी चल रही हैं, बाजार भरे हैं, शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लोग जा रहे हैं, तो बहुत से फैक्टर हैं। उसके लिए यही है कि अगर हम इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, जिसको सबसे ज़रूरी है वैक्सीनेशन जो कि ड्राइव चली रहा है जैसे हमने बात की, दूसरा जो सबसे ज़रूरी इशू है इसमें वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि हम लोग जो है इकट्ठे ना हों ज़्यादा, अगर इकट्ठे होते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का हम ख्याल रखें, हैंड सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें, मास्क का ख्याल रखें, और ये लोग सभी लोग करें, और प्रशासन और पुलिस जो है भी वो भी इस चीज़ को बाजारों में देखें कि वहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, भीड़ ना हो, शादियाँ जहाँ हो रही वहाँ पे कोविड जो है प्रोटोकॉल जो उसको फॉलो किया जा रहा है। तीसरा जो मुख्य इसका रोकथाम को हम कर सकते हैं वो टेस्टिंग है, जिसको हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे अच्छा हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रेसिंग कर रहे हैं उनकी, और ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये 5 चीज़ों के ऊपर ही काम कर रहे हैं,
लेकिन ये दो इशू जो है सबसे जरूरी हैं, सबसे ऊपर हैं। पहला है जो वैक्सीनेशन और दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर।